हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चूके वहीं लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हर काम पूरी जान लगा कर करे, अधूरे मन से किया काम आपसे श्रेष्ठ बनने का मौका छीन लेता है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वो होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। मजबूरी सबकी होती है, मगर मजबूर सिर्फ वो होते हैं जिन्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं होता। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुश हूं। श्री कृष्ण ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर के जाऊंगा।